हमारे समाज का जो क्रीम है, जो पढ़ने लिखने लायक है, संपन्न तबका है, क्लास वन क्लास टू ऑफिसर है, उसको उन्होंने अपने खेमे में रख लिया, यानी उसको इस अधिकार से वंचित किया। साथियों, क्रीमिनियर का समाज में कोई प्रावधान है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में आरक्षण और प्रतिनिधित्व जो है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो समाज पीछे है उसको मतलब आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ने वहाँ हमारे साथ न्याय नहीं किया। न्यायपालिका ने संविधान के विरोध में जाके काम किया, और ये यदि न्यायपालिका संविधान के विरोध में जाके काम करती है, तक इस देश के जो मूल निवासी लोग थे उनका जो 90% भाग था वो सुरक्षित नहीं हो सका। ऐसा क्या कारण है? ऐसा हमारी जो लीडरशिप कर रहे हैं, हमारी जो नेतागिरी कर रहे हैं, इन नेताओं की नालायकी के कारण आज ऐसा हुआ। जो 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, जिसको EWS कहा जाता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण, संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे किसी भी वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण किसको मिलेगा? 15(4) और 16(4) में ये बताया गया है कि आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा, और जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे उनका सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। और पिछड़े कौन होंगे, इसके लिए आर्टिकल 340 में लिखा गया, पिछड़े वो होंगे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। वही व्यवस्था बाबा साहब ने इसलिए नहीं की क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर हमारे समाज के लोग अगर धन धान से संपन्न भी हो जाएंगे तो भी उनको वो सामाजिक व्यवस्था में वो स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शिवाजी महाराज, उनको पैसे की क्या कमी थी? ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया, उनका जो राज्याभिषेक था उन्होंने करने से इनकार कर दिया, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमारे पुरखों को अपमानित करने का काम किया। साहू जी महाराज को अपमानित करने का काम ब्राह्मणों ने किया, यहाँ तक कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के पिताजी भी सूबेदार थे, उनको भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाबा साहब एक लर्नड पर्सन व्यक्ति थे, उनको भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके साथ भी अन्याय, अत्याचार और सामाजिक जो दुराचार किया गया, सामाजिक भेदभाव किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि वो जाति के नाम पे, सामाजिक भेदभाव के नाम पे किया गया, पैसे के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं किया गया। इसलिए संविधान में कहीं भी प्राविधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। फिर भी इनकी जब सरकारें बनी तो इन लोगों ने अपने देश में अपने लोगों के लिए इस देश के अंदर में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो देकर और उनके लिए सीटें सुरक्षित कर दी। और ये जो 10% का जो मामला जो उठा, इसको न्यायपालिका में चुनौती दी गई, लेकिन न्यायपालिका इस पर सुनवाई करने के बजाय इसको इसकी इस मुकदमे को आज तक पेंडिंग की हुई है, इस पर सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि कोविड के समय में उलूल जुलूल फैसले दे रही थी, बैकवर्ड क्लास के विरोध में जाकर कोविड के समय में फैसले दिया और नीट में कहा कि रिजर्वेशन जो है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है। नीट जो राष्ट्रीय लेवल की मेडिकल परीक्षा है, कोविड के दौरान इस परीक्षा की सुनवाई की गई और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित किया गया। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद इस देश के न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, व्यवस्थापिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ये जो संविधान लिखा गया इस देश के मूल निवासी लोगों के पक्ष में लिखा गया, लेकिन आज तक आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद जो संविधान में लिखा गया वो आज तक लागू नहीं किया गया। आर्टिकल 314 में यह कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा और तब परीक्षाएं की जाएंगी। न्यायिक आयोग का गठन करेंगे और न्यायिक आयोग का जब गठन होगा तो परीक्षाएं ली जाएंगी हायर जुडिशरी में। जब न्यायिक आयोग का गठन होकर परीक्षाएं ली जाएंगी तो उसमें SC ST OBC के लोगों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। लेकिन आज तक इन लोगों ने न्यायिक आयोग का गठन नहीं किया और ये जो परीक्षाएं होनी चाहिए थी वो परीक्षाएं नहीं कराएं, जिसके कारण ये हो रहा है कि जो एक जात के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो बने हुए हैं जजेस लोग, वो अपने ही घर के रिश्तेदारों की नियुक्ति लगातार करते चले आ रहे हैं। तो ये आलम इस तरीके इस देश में फैलाया गया है कि जो संविधान में है वो हो नहीं रहा। ऐसी ही धोखेबाजी शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में भी की गई। 5वीं और 6वीं सूची का प्राविधान शेड्यूल कास्ट के लोगों में दिया गया, जो कि संविधान के अंदर ही एक बहुत बड़ा संविधान है जो उनको हक अधिकार दिलाता है, लेकिन 5वीं और 6वीं सूची शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए भी लागू नहीं की गई। सच्चर कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमानों की स्थिति इस आज़ाद भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी बदतर हो गई। तो क्या कारण है कि जो संविधान हमारे पक्ष में लिखा गया फिर भी ये हमारे पक्ष में साबित नहीं हो रहा है? उसका कारण है, बाबा साहब ने कहा था
कि अगर इस देश को चलाने वाले लोग अगर सही होंगे अच्छे होंगे, संविधान अच्छा साबित होगा। अगर लोग अगर बुरे होंगे तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा लिखा गया हो। अम्बेडकर कोई ऐसा थोड़े था जो लिख देते थे वही पास हो जाता था। संविधान सभा थी ना, संविधान सभा में बहस होती थी, चर्चा होती। जैसे आज संसद है, अगर बहुमत ना हो तो कोई चीज पास होगी? बहुमत के बगैर तो कोई चीज पास नहीं होगी। तो संसद में आज की तारीख में बहुमत के बगैर कानून नहीं बनता, पास नहीं होती। तो उस समय संविधान सभा में जब कोई ड्राफ्ट लिखा जाता था उस पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, और चर्चा बहस के बाद ही वो पास होता था। जब संविधान सभा में हमारे लोग ही नहीं थे तो कहां से पास होगा, कहां से हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी? और हमारे लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ तो दिया नहीं, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं था डॉक्टर अंबेडकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को गांधी और नेहरू ने यह बताया कि अरे डॉक्टर अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम गांधी नेहरू तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले देश को बचाओ बाद में देख लिया जाए। तो हमारे लोगों ने सोचा पहले देश को बचा लेते हैं बाद में देखेंगे। तो हमारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का साथ उस समय नहीं दिया बल्कि गांधी नेहरू कांग्रेस का साथ दिया, और इसलिए संविधान सभा में गांधी नेहरू और कांग्रेस ने हमारे ओबीसी के प्रतिनिधियों को जाने नहीं दिया। संविधान सभा के लिए एक भी ओबीसी को टिकट नहीं। फिर भी बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष करके आर्टिकल 340 लिखा। आज अगर 27% आरक्षण है ओबीसी को तो किस आधार पर है? आर्टिकल 340 के आधार पर है। आर्टिकल 340 किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत विरोध के बावजूद भी आर्टिकल 340 लिखने में बाबा साहब अंबेडकर सफल हुए। और जब आर्टिकल 340 लिखा तो नेहरू को कहा भी आयोग बनाओ, तो नेहरू आयोग ही नहीं बना रहे थे। जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कितने ओबीसी के लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा आयोग बनाने के लिए दिया? ये कितने ओबीसी के लोगों को पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ओबीसी के लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर तो चमारों के नेता है, हमारे नेता थोड़े। ओबीसी का आदमी जय भीम बोलता नहीं है, और अगर गलती से जय भीम बोल दिया तो पंडित के कान में अगर आवाज पड़ गई, अरे यादव जी जय भीम बोल रहे, तो यादव जी के पास जाता और यादव जी के कान में कहता चमार हो गए क्या? क्या कहता? चमार हो गए क्या? तो यादव जी सोचते साला जय भीम बोलने डिमोशन हो जाएगा, यादव से चमार हो जाऊंगा, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देते हैं। तो ये जो साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्टिकल 340 मिला बाबा साहब अंबेडकर की वजह से, और आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन आया, मंडल कमीशन आया, और मंडल जब लागू हुआ तो 27% आरक्षण मिला। तो किसकी वजह से मिला? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से। लेकिन ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से हमको रिजर्वेशन मिला। क्यों नहीं पता? क्योंकि ब्राह्मण तो ओबीसी को बताता ही है कि चमारों के नेता हैं। हमारे जो अंबेडकर जयंती मनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हम दलितों के मसीहा, तो बाकी किसी से कोई मतलब तो है नहीं। जब हमारे भी लोग जो बाबा साहब की जयंतियां मनाते हैं वो कहते हैं हम दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर, तो ओबीसी को कैसे पता चले भैया हमारे भी मसीहा थे? तब तो पता नहीं चलेगा। तो जो अंबेडकर जयंती मनाने वाले जो बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं उनको भी इस बात का पता नहीं है कि आर्टिकल 340 बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए लिखा। और नेहरू जब आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया तो उसमें एक बड़ा कारण ये लिखा कि नेहरू मेरे बार बार कहने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूं और दुखी होकर के इस्तीफा दे रहा हूं। ये बात भी बाबा साहब अंबेडकर ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा। लेकिन ये बात ओबीसी के लोगों को जानकारी नहीं, ब्राह्मण जानकारी होने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है जिस दिन अंबेडकर ओबीसी तक पहुंच गए उस दिन तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अंबेडकर शेड्यूल कास्ट तक रहे तो ब्राह्मणों को कोई टेंशन नहीं है,
ब्राह्मण भी शेड्यूल कास्ट के घर जाके गौतम जी जय भीम बोल लेगा। क्यों? अरे प्रधानी में वोट तो लेना है तो जय भीम तो बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो भी जा करके बोल लेता है। लेकिन जैसे ही अंबेडकर ओबीसी के घर तक पहुंचने लगते हैं तो उनको लगता अब तो खतरा बढ़ गया, इसलिए ओबीसी तक अंबेडकर ना पहुंचे इसकी पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है केवल अंबेडकर ही नहीं, 1848 में ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले इस लड़ाई को शुरू किया आधुनिक भारत। अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तथागत बुद्ध ने इस लड़ाई को शुरू किया। तो प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध शेड्यूल कास्ट नहीं थे, ओबीसी थे। आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले शेड्यूल कास्ट नहीं थे, ओबीसी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को भी गुरु माना, तथागत बुद्ध को भी अपना गुरु माना, दोनों को अपना गुरु माना। तो अगर बाबा साहब अंबेडकर पहुंचेंगे, केवल बाबा साहब नहीं पहुंचेंगे, बुद्ध भी साथ में पहुंचेंगे, ज्योतिबा फूले भी साथ में पहुंचेंगे, और छत्रपति साहू महाराज भी साथ में पहुंचेंगे। और जब ये साथ में पहुंचेंगे ओबीसी के घर में, तो पेरियार रामास्वामी नायकर भी पहुंचेंगे, रामस्वरूप वर्मा भी पहुंचेंगे, और ललित सिंह यादव भी ओबीसी के घर में पहुंचेंगे। तो फिर तो देश में क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता। ये काम वो नहीं करने देते, इसलिए उस काम को हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से उस काम को हम लोग कर रहे हैं कि फूले साहू अंबेडकर पेरियार को हर घर में ओबीसी के पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। बाबा साहब अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, इस्तीफा दिया। तो पिछड़े वर्ग के बहुत नेता मंत्री हैं, संतरी हैं, गिनती नहीं हो रही, कह दो इस्तीफा दे तो देंगे। अरे गांव का प्रधान सरपंच नहीं देगा, विधायक मंत्री संतरी की तो बात ही छोड़ दो। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया ओबीसी के, और इसके दबाव में आकर नेहरू को आयोग बनाना पड़ा। ओबीसी और एससी में जब तक एकता नहीं बनेगी तब तक इस देश में हम लोग अपने हक अधिकार ले नहीं सकते। और वो एकता अगर हम अपने महापुरुषों को पढ़ें तो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमको पता चलेगा बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो हम बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोगों से जुड़ेंगे। और जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को यह पता चलेगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तब छत्रपति साहू महाराज हाथी पर चढ़कर जहां बाबा साहब अंबेडकर रहते थे वहां गए। कोई राजा किसी के पास जाता नहीं है, राजा के पास लोग मदद मांगने के लिए आते, राजा नहीं जाता। लेकिन साहू महाराज भी ऐसे राजा थे जो पिछड़े वर्ग के थे, वो हाथी पर चढ़कर गए बाबा साहब अम्बेडकर के पास में और कहा आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर ये दोनों बातें पता चल जाए लोगों को, एससी और ओबीसी के लोगों को, तो एकता बन जाएगी। वो यही एकता तोड़ना चाहते। इतना ही नहीं, जब लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन कर रहे थे, तो ओबीसी के कुछ नेता बाबा साहब अंबेडकर को मिलने के लिए गए और बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि बाबा साहब अंबेडकर, आप जैसा योग्य नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको तो उनका हक अधिकार मिल गया, लेकिन जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा योग्य लीडर नहीं है, ऐसा कोई योग्य नेता नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों को हमारा हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कहा जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने गोविंद वल्लभ पंत के मुंह पर कहा। तो ये बात हम लोगों को, ये इतिहास जो दबाया गया है, ये इतिहास जो छुपाया गया है, इसकी वजह से ना हम आपस में लड़ रहे हैं। और जो हमारे पुरखे मिलजुल करके लड़ाई लड़े, जब साहू महाराज थे तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को मदद किया, और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में थे तो उन्होंने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखा, ओबीसी के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसका मतलब हमारे पुरखे मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारे पुरखे मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे तो संविधान में हमको अधिकार मिले, आज हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जो अधिकार मिले थे वो अधिकार खत्म हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बाबा साहब सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।